हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए चैनल नेम्ड प्रज्ञा एकेडमी एंड माय नेम इज मुकेश कुमार तिवारी। जो मैं चैनल स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इसमें जो है हम आईटी एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। मैं अपनी नॉलेज शेयर करूँगा इसमें आप लोगों के साथ, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, प्रज्ञा एकेडमी नाम से मैं चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ और मेरा नाम मुकेश कुमार तिवारी है। और इस चैनल में दो चीज़ें मेन हैं जिनके बारे में हम डिस्कस किया करेंगे। अपनी नॉलेज को मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, आप लोगों से बातचीत होगी, छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे जिनको मैं शेयर करूँगा, आप लोगों के कमेंट्स लेंगे, व्यूज़ लेंगे और उसको कैसे हम और उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं और क्या हम चेंजेस कर सकते हैं जिससे जो है व्यूवर्स को यानी कि आप लोगों को बेनिफिट्स हो, ये सब हम लोग शेयर करेंगे, बातचीत करेंगे। तो जो टॉपिक्स जो हम मेन इसमें जो डिस्कस करेंगे इस चैनल के अंदर, वो टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट स्टडीज। तो चैनल जो है बेनिफिशियल होने वाला है कुछ स्टूडेंट्स के लिए, कुछ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और मैनेजमेंट स्टडीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं जो ऑलरेडी वर्किंग हैं उनके लिए भी। और तो पहला तो डोएक सोसाइटी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल एंड सी लेवल का जो कोर्स कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बीसीए और एमसीए के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं जिनका सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है, वो टॉपिक भी हम इसमें शेयर करेंगे, बातचीत करेंगे। उन टॉपिक्स के बारे में भी मैं वीडियोस बना के अपलोड करूँगा, ठीक है। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जो भी टॉपिक है बहुत ही ईजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा। आप इंजॉय करेंगे इन मेरी वीडियोस को, नो डाउट। तो बी सी एम सी के स्टूडेंट, ओ ए बी सी लेवल के स्टूडेंट, सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल रहेंगी ये वीडियोस। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि भाई जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जैसे टीजीटी एंड पीजीटी, टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एंड पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिन्होंने अपना सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस ले रखा है, ठीक है, इनकी वैकेंसीज निकलती रहती हैं केवीएस में, एनवीएस में और अलग अलग स्टेट्स में, यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, है ना। तो जो टॉपिक्स हैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी फायदेमंद है, वो उनके लिए भी उनके भी काम आएगा आएंगे टॉपिक्स ये जो तैयारी कर रहे हैं इन एग्ज़ाम्स के लिए, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जो। इसके अलावा जो मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं या जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल है, नो डाउट। आईटी के टॉपिक्स भी उनके लिए, मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो आईटी के टॉपिक उनके लिए भी बेनिफिशियल है, और आईटी वाला स्टूडेंट है, आईटी वाला वर्किंग प्रोफेशनल है तो उसको मैनेजमेंट के भी कुछ आइडियाज होने चाहिए जब वो प्रोफेशनली किसी कॉरपोरेट में या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने जाता है, तो उसको मैनेजमेंट के भी कहते हैं ना गुण होने चाहिए, वो मतलब दोनों चीज़ों की नॉलेज इसमें मैं दूंगा आपको। मैं अकेला ही नहीं, मेरी टीम होगी, ठीक है। फिलहाल तो मैं खुद स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा जो कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो कर रहे हैं मैनेजमेंट में या ऑपरेशंस मैनेजमेंट में, बीबीए के जो स्टूडेंट हैं या एमबीए के जो स्टूडेंट हैं, एमबीए के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा।
तो जल्दी ही मैं अपना एक वीडियो, फिलहाल मैं स्टार्ट करूँगा आईटी से, कंप्यूटर साइंस से अपना एक वीडियो मैं स्टार्ट करूँगा, अपलोड करूँगा। आप लोग उसको देखना, अपने फीडबैक देना, बताना मुझे कि मैं और कैसे उसमें मैं क्या चेंजेस करूँ कि उस सेशन नेक्स्ट सेशंस को मैं और कैसे उसको मतलब आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सके। आप हम दोनों आपस में डिस्कस करेंगे और बात करेंगे, नो डाउट अच्छा होगा हमारा सेशन और डे बाय डे इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे हम लोग, ठीक है दोस्तों। और आप लोगों को पता है कि भाई ये कोविड कोरोना का जो है महामारी चल रही है ना, तो इसमें भाई आप लोग इस लेवल पे आके मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपको कुछ कोरोना से, अब समझता हूँ कि भाई सब लोग जागरूक होंगे भाई क्या चीज़ है ये कोविड-19 क्या चीज़ है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें, प्लीज़ फॉलो करें। आप लोग अपने आप को सेफ रखें, अपने परिवार वालों को सेफ रखें, अपना हाथ धोते रहें, फेस मास्क का यूज़ करें। अगर आप में से किसी को भी कुछ सिम्टम फील होते हैं तो आप प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपने आप को आइसोलेट रखें, ठीक है। क्राउडेड एरियाज में जाने से बचें, ठीक है। हाथ मिलाने से बचें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, स्वस्थ रहें, तभी आप मेरा वीडियो देख पाएंगे, लेक्चर और सेशन सुन पाएंगे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज़ चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर लें ताकि जो मैं वीडियो जो अपलोड करूँगा नेक्स्ट वाला, फर्स्ट जो मैं अब कह रहा हूँ कि भाई अपलोड करने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को पता लग जाए, एक नोटिफिकेशन आएगा आपके पास, है ना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।